हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। फ्रेंड्स, आजकल वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं का, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है। वर्तमान में अगर आप देखते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देख लीजिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज की अगर परीक्षा है, और इस सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में IAS के साथ साथ PCS यानी कि स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की मैं भी बात कर रहा हूँ, इन सारी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और करंट के सवाल अब जो थे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। हिंदी भाषी जितने भी छात्र हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, अंग्रेजी भाषा के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक पेपर पर्याप्त होता है, वो हिंदू पेपर लेके पढ़ लेते हैं और उनका लगभग पूरा जो है कोर्स यानी करंट अफेयर्स लगभग पूरा इसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हिंदू के स्टैंडर्ड का कोई एक हिंदी अखबार चुनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से हिंदी के अखबार हैं जो आपको द हिंदू के लेबल की तैयारी करवा सकते हैं। यानी कि हिंदी भाषा के जो अभ्यर्थी हैं, वो भी सिर्फ अखबारों को पढ़ के करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और इसका उपयोग वो निबंध लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, द हिंदू एकमात्र ऐसा अंग्रेजी अखबार है जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस आपको रोज YouTube पे मिलते होंगे। लेकिन ये सारे जो डिस्कशंस होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, पूरा क्षेत्र आप कवर नहीं कर पाते हैं, और ये भी है कि आप उसे नोट्स नहीं बना पाते होंगे। करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से पेपर हैं हिंदी के, जिनमें से कम आपको दो पेपर का चुनाव करना होगा ताकि आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, जल्दी में मैंने ये पूरा जो नोट्स है, इसे मैंने टाइप नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिख के मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। लेकिन इससे इस कंटेंट की वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं है। तो पूरे कंटेंट को ध्यान से देखिए अगर आप करंट की तैयारी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कुछ भी है ये मेरे नोटबुक से है। हिंदी माध्यम के एस्पायरेंट्स के लिए अंग्रेजी माध्यम के न्यूज़पेपर द हिंदू के स्टैंडर्ड का कोई एक पेपर खोज लेना मुश्किल होता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी हिंदी अखबार सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता है। हिंदी अखबारों में क्या होता है कि उनके जो पेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और वो अपने खबरों को इस तरीके से करते हैं। देखिए, ये भाषागत भी होते हैं। जैसे कि अगर आप दैनिक जागरण को देखते हैं तो इसका एडिशन अलग अलग होता है, और हर एडिशन में वो कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं खबरों को फोकस करें जिससे उस क्षेत्र विशेष का संबंध हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको किन अखबारों का चयन करना होगा और इनको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसका ये भी एक अर्थ निकलता है कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वो अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, समकक्ष ही हैं, क्योंकि जो सफलता है वो दोनों को एक बराबर स्टेज पर लाके खड़ा कर देती है। तो मैं आपको कुछ अखबारों की लिस्ट बताने जा रहा हूँ, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो भी अखबार आता है, इनमें से कम दो अखबारों को आप चुनाव कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स दैनिक ट्रिब्यून की। ये अखबार चंडीगढ़, नई दिल्ली, जलंधर, देहरादून और बठिंडा से प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसके कंटेंट के बारे में अगर कहा जाए तो इसका जो एडिटोरियल होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और प्रशंसित है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अगले न्यूज़पेपर की बात करें तो अगला न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। तो ये जो दैनिक भास्कर अखबार है फ्रेंड्स, ये 14 राज्यों से प्रकाशित होता है और इसके 61 संस्करण मौजूद हैं। भास्कर ग्रुप इसका संचालन करता है। भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, लेकिन तब यह केवल भोपाल में ही प्रकाशित होता था। आज ये 14 राज्यों में प्रकाशित हो रहा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार वगैरह में भी प्रकाशित होता है। तो अगर आप तक ये अखबार नहीं पहुँचता है तो आप इसका ई एडिशन भी देख सकते हैं। अगला जो अखबार है फ्रेंड्स, उसका नाम है दैनिक जागरण, और मैं श्योर हूँ कि ये अखबार आपके क्षेत्र में जरूर ही आता होगा, क्योंकि दैनिक जागरण विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। एक पॉइंट जी के का मैंने आपको दे दिया। ऐसा मानना है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर यानी कि WAN
ए एन का, डब्ल्यू ए एन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो दैनिक जागरण के जो कंटेंट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, खास तौर से इसके एडिटोरियल, खेल के पेज, स्पोर्ट के पेज मतलब जो होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो अर्थव्यवस्था संबंधी जो पन्ने जोड़े जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नवभारत टाइम्स की। तो नवभारत टाइम्स भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, नागपुर, मुंबई, रायपुर, बिलासपुर, पुणे, नासिक और अमरावती से प्रकाशित होता है। तो ये अखबार लगभग पूरे भारत में उपलब्ध है, क्योंकि ये भी, इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके यहाँ तक अखबार ना पहुँचता हो, लेकिन आपके राज्य की राजधानी तक अखबार अवश्य पहुँचता होगा, तो इस अखबार को भी आप चुन सकते हैं। अगला जो अखबार है उसका नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही प्रकाशित होता है और ये 1975 से प्रकाशित हो रहा है। ये अखबार भी इकोनॉमिक के पोर्शन के लिए बहुत अच्छा अपना योगदान देता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। फ्रेंड्स, इस अखबार के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि दैनिक जागरण के बाद पूरी दुनिया में यह दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। इसका प्रकाशन 1961 से लगातार हो रहा है और ये अखबार भी अर्थव्यवस्था के लिए यानी कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे भी बहुत अच्छी संख्या में आपको प्रश्न, लगभग सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बीबीसी न्यूज, जो बीबीसी हिंदी का वेब पोर्टल है यानी कि इंटरनेट का भी इस्तेमाल आपको करना होगा, और इसमें जो है ख़ास तौर से जब आप बीबीसी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो नमस्कार भारत और दिन भर, ये दो समाचार होते हैं जो कि रेडियो के साथ साथ फेसबुक, और अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आप फेसबुक नहीं चला पाते हैं या उसमें रेडियो नहीं है, तो आप डायरेक्टली yum.bbchindi.com पे भी जाके इस समाचारों को सुन सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में, पूरे दिन में सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे तक आता है नमस्कार भारत, और शाम को 7:30 से 8 के बीच में आता है दिन भर। इन दोनों समाचारों में से कम एक न्यूज़ को आप पर डे सुनने की अपनी हैबिट बना लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ मैगजीन्स की। तो मंथली मैगजीन में आप किसी भी एक मैगजीन का चुनाव कर सकते हैं जो लगभग सभी तथ्यों को सही रूप में समायोजित करे। प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या फिर कोई भी currentaffairs.com में से कोई भी एक मैगजीन आप चुन लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग सभी समाचारों को संकलित किया जाता है। इसके अलावा मंथली या इकोनॉमिकली या फिर मतलब कि या साप्ताहिक या मासिक कोई भी इकोनॉमिक बुलेटिन भी आपको सुनना चाहिए। इसके लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा टीवी में या फिर जो डिबेट चल रही हो उसमें भी आपको हिस्सा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे होता है। ये न्यूज़पेपर हो गए और ये सोर्स हो गए इंटरनेट के, रेडियो के, जिनका चुनाव आपको करना है, लेकिन इसका उपयोग करना कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में इस न्यूज़पेपर को पढ़ने की सही रणनीति क्या है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आ गया, नमस्कार।